friends, today we are going to do exercise 5B. It is 3 divided by 3, 5 divided by 0, 6 divided by 1. ये कुछ examples हैं जो हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद exercise शुरू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने जो बात समझनी है वो ये कि जब एक ही नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, when 3 is divided by 3, the answer will be 1. ये जरूरी नहीं कि 3 को 3 से डिवाइड करना, कोई भी नंबर आप ले लो बेटा, जैसे 9 divided by 9 वो भी 1 होगा, 1000 divided by 1000 it will be 1, ठीक है? यानी जो नंबर को अगर उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा? 1. It is a fact, ठीक? Secondly, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं है और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई में भी हम यही करते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 6 divided by 1. किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा? जो वो नंबर दिया गया है, यानी 6. 6 divided by 1 is 6. अब यहां पर मैं 999 divided by 1, 9909 इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर भी मेरा उतना ही आएगा जितना मेरी अमाउंट है. यानी तीन चीजें याद रखनी है कि सेम नंबर्स डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, सेम नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो नंबर है वही आएगा, ठीक है? तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट आंसर स्टार्ट कर देते हैं. Now we are starting our exercise. It is 5B. First sum, 3 divided by 3 is equal to 1. Second, 30 divided by 1 is 30. Third, 4 divided by 4 is dash. अब ये सम आप खुद करोगे. ये 3 divided by 3 1 था, तो 4 divided by 4 1 क्या होगा? 1. ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ सम, 15 डिवाइडेड बाय 15, कोई भी नंबर एक अगर एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करे तो आंसर कितना होगा? 1. ठीक, अब 0, 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0. ठीक, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. अगर किसी नंबर को हम We cannot divide any number by zero. यानी किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. जीरो को अगर किसी नंबर से करना तो भी आंसर जीरो ही होगा, ठीक है? अब उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 6 इट इज ऑल्सो 1. 25 डिवाइडेड बाय 1, 25 divided by 1 is 25. ठीक है, तो दिस इज दिस आर द फैक्ट्स यू हैव टू डू. इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C. अब 5C है डिवीजन, हाउ टू डू डिवीजन. बट डिवीजन के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, टेबल्स आना जरूरी है. अगर इफ यू आर नॉट डूइंग, आपको टेबल नहीं आ रहे तो यू कैन नॉट डू द डिवीजन. अब देखो यहाँ बहुत ही सिंपल डिवीजन है. फर्स्ट है 64 डिवाइडेड बाय 2. अब ये याद रखना कि 62 को 64 को 2 से डिवाइड करना है, तो 64 हम अंदर लिखेंगे और 2 बाहर. इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं. अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल देखना है हमने. पहले हम पहली अमाउंट देखेंगे, अगर ये अमाउंट इस अमाउंट से छोटी है तो हम ये दोनों अमाउंट्स लेंगे, और अगर ये अमाउंट इस अमाउंट से बड़ी है, ये अमाउंट इस अमाउंट से बड़ी है, तो हम सिर्फ पहली अमाउंट ही लेंगे. तो यहां पर 6 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ 6 लेंगे, ठीक है? सिर्फ 6 लेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 आ जाए. अगर अमाउंट ऐसी है जो कि टेबल में नहीं आती तो हम उससे पहले वाली अमाउंट लेंगे, ठीक है? अब यहां पर हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2, 4 जा 8, 2 5 जा 10. अब यहां पर 6,
वन जा टू सा थ्री जा, तो थ्री ऊपर लिखेंगे सिक्स यहाँ, फिर इसको माइनस करेंगे तो सिक्स में से सिक्स गया जीरो, फिर ये फोर नीचे लेके आएंगे, फोर ये है। देन अगेन टू के टेबल में फोर, वन टू, तो यहाँ हम टू लिखेंगे और यहाँ फोर, फिर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया जीरो। तो 64 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा 32। ठीक है, एक बार फिर देख लो, पहले 64 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन है आपका, तो 64 बड़ी अमाउंट है, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर, तो डिवाइजर बाहर होगा डिविडेंड अंदर होगा, तो 64 को अंदर रख के हमने 2 से डिवाइड करना है, तो पहले हम 2 का टेबल लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम ये देखेंगे कि 2 से ये अमाउंट, अगर ये अमाउंट 2 से बड़ी है तो हम सिर्फ यही अमाउंट लेंगे, और अगर 2 से छोटी है तो हम ये दोनों अमाउंट्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमाउंट क्या है, 2 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 2 का टेबल यहाँ पर साइड में लिख लेंगे रफली, ताकि आप जिनको तो टेबल याद है बाय हार्ड है वो तो आराम से कर सकते हैं, पर जिनको बाय हार्ड नहीं है वो यहाँ पर ये लिख सकते हैं टेबल साइड में। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड करोगे 2 का टेबल लिखने के बाद, यहाँ 6 है तो यहाँ हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, ये 6, तो 2 1 जा 2 जा 3 जा, कितने पे आया 6, 3, तो हमने 3 यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ, फिर हमने माइनस किया हमारा आंसर आ गया 0। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट हम नीचे लेकर आएंगे, कितना आ गया 4, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 यहाँ लिखा हमने और 4 यहाँ, फिर माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 64 डिवाइडेड बाय 2 इज 32। इसका मतलब होता है 96 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, तो यहां पर हम 96 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल लिखना है, 3 वन जा 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 20। ठीक, सेम रूल है, 3 9, 3 के टेबल में 9, 1 2 3 जा 3 जा 9, माइनस करेंगे 0, 6 नीचे लेके आएंगे, और बार ये बात हमेशा याद रखनी है बेटा कि जब अमाउंट लेकर आनी है तो ये अमाउंट के नीचे ही अमाउंट होनी चाहिए, अगर आप ये अमाउंट यहाँ है आप इसको यहाँ लिख दोगे या सिक्स आप यहाँ लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेथड, तो जीरो जीरो सिक्स ये ही आएगा। ठीक है, अब थ्री के टेबल में सिक्स, थ्री वन जा थ्री टू जा टू सिक्स जीरो, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 32। ठीक, नेक्स्ट 84 डिवाइडेड बाय 4, अब 84 को 4 से डिवाइड करना है, 4 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20, आप पूरा टेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखना, 4 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 8, माइनस किया 0, फिर ये नीचे लेके आए 4, फिर 4 1 जा 4 माइनस किया, यानी हर बार हमने सम जब भी करना है ऐसे ही करना है कि व्हेन यू आर डूइंग इट आपने ध्यान रखना है कि आप साइड में टेबल लिख लो तो वो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। वैसे तो मैं कहूंगी आपको टेबल बाय हार्ड करने चाहिए, बाय हार्ड यानी लर्न करने चाहिए, फिर भी अगर कहीं आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन राइट हियर 36 डिवाइडेड बाय 3, 0 3 6 9 12 15, तो यहां पर 3 3 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर माइनस किया 6 नीचे लेकर आए, 3 2 जा 6, फिर माइनस किया 0, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह ये सारे सम्स हैं, बाकी तो आप खुद करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक्स, हैव अ नाइस डे।